नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने 20 टॉपिक साइकोलॉजी के, उनके ऊपर क्वेश्चंस और आंसर्स की वीडियो बनाए। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर उन वीडियोज को देखिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट होता है, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इससे संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें भी आप सॉल्व कीजिए। और वीडियो को पॉज करके मैंने जो आंसर्स दिए हैं, उन आंसर से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। आराम से टाइम निकाल करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब मेरा आंसर सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण है उनकी वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करना, कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य ना बना पाना, या अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय। कुछ बच्चे होते हैं जो सीखने में बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, जिन्हें सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहली बात है दोस्तों, किसी भी इंसान के द्वारा यह मानना कि वह सीख ही नहीं सकता, यानी कि सीखना उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हालांकि एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन वह कोशिश तो कर सकता है, भले ही सफल नहीं होगा। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो किसी ने अगर निस्सहाय होना सीख लिया है, तो बच्चों के बीच में इस गलत आदत का मुख्य कारण होता है उनकी हीन भावना या फिर उनकी अक्रियाशीलता, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, और यह उनके व्यक्तित्व और स्कूल के प्रदर्शन पर भी नेगेटिव असर डालता है। यानी कि पहला ऑप्शन है कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, इस व्यवहार को उन्होंने अर्जित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। यही होता है बच्चों में अधिगम की निस्सहायता का कारण, पहले का एक नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, अभिमन्यु नामक छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, वह RTE अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की चतुर्थ श्रेणी में दाखिला लेता है, और कुछ समय के बाद अभिमन्यु के सहपाठी गरीब पृष्ठभूमि के लिए उसे चिढ़ाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आप नैतिक विकास के कॉलबर्ग के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, तो आप और आप एक टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? छात्रों से कहेंगे कि वे अगर अभिमन्यु को परेशान करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। छात्रों को समझाएंगे कि अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करें। अभिमन्यु को कहेंगे कि छात्रों उसे परेशान करेंगे, वह उसकी ओर ध्यान न दे, या फिर प्रधानाचार्य से अभिमन्यु के लिए एक अच्छी पोशाक और जूते की जोड़ी की व्यवस्था करने का अनुरोध करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो इन चारों में से किस ऑप्शन को सही मानेंगे या फिर कौन सा काम करेंगे? तो अगर इस पूरे के पूरे मामले को देखा जाए, तो इसके अनुसार जो छात्रों को परेशान करना, छात्र जो परेशान करते हैं, वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर एक, यानी कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के तहत सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण अवस्था में है। जो छात्र इसमें बच्चे को परेशान कर रहे हैं, अगर इसको हम साइकोलॉजी की धारणाओं के तौर पर देखें, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उनका नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उसका स्तर वन है, यानी कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, उसके तहत सजा आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण अवस्था में है वो छात्र, और इस स्तर पर बच्चों को उचित व्यवहार सीखने के लिए दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उनके कार्यों के बुरे परिणाम उनके भविष्य में उन कार्यों को फिर से करने से रोकेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन है कि छात्रों से कहेंगे कि अगर वे अभिमन्यु को परेशान करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। हो सकता है आपको यह आंसर एक नॉर्मल तौर पर अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत का अगर पालन कर रहे हैं, तब आपका आंसर क्या होगा। तो उसमें पता है कि स्तर वन पर हैं आप, और उस स्तर वन के अनुसार ऐसे स्तर पर बच्चों को दंडित किया जा सकता है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर वो दोबारा से ऐसी ही कुछ गलती करेंगे तो उनके दिमाग में वो बात आएगी कि उन्हें कभी पनिशमेंट दिया गया था। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर तीन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। RTE 2009 के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कहाँ पर पढ़ना चाहिए, इन चार ऑप्शंस में से बताएं आप।
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो विशेष और सामान्य आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको समावेशी शिक्षा माध्यम द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक जो है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, तीन का ऑप्शन नंबर एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार है NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, खाली जगह और यहाँ पर भी खाली जगह है, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक या निष्क्रिय सरल। NCF के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन है कि अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, सही आंसर होगा, क्योंकि NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर है। क्वेश्चन पांच, क्लास में रचनात्मकता के विकास के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? खेल खेलने की, प्रयोग करने की, कहानी लेखन की, व्याख्या देने की। रचनात्मकता के विकास के लिए इनमें से किस एक चीज की आवश्यकता नहीं होगी? तो वो है व्याख्यान देने की, पांच का ऑप्शन नंबर चार सही होगा। क्लास में एक रचनात्मकता जो सहायक वातावरण है वो छात्रों की पाठ पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देता है, और रचनात्मकता के विकास के लिए व्याख्यान देना सहायक नहीं है, पांच का ऑप्शन नंबर चार सही होगा। क्वेश्चन नंबर छह, संविधान के अनुच्छेदों में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद प्रभावित हुआ? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 20? तो संविधान का अनुच्छेद 46 यानी कि ऑप्शन नंबर दो में, उसमें क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद अधिकार की सूचना के बाद प्रभावित हुआ। 46 में क्या लिखा हुआ था वो मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन नंबर छह का ऑप्शन नंबर दो सही होगा। क्वेश्चन सात, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्न में से क्या करना महत्वपूर्ण है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, छात्रों की पूछताछ के कारण उत्पन्न व्यवधान से बचना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में होना चाहिए, या फिर किताब जैसे उत्तर देने पर जोर देना चाहिए। तो आपको एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्न में से क्या करना बहुत ही महत्वपूर्ण है? प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि एक प्रभावी शिक्षक वही है जो कक्षा में हर एक बच्चे के साथ सूचनाओं का यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करता हो, और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे तरीके से अद्वितीय है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक बच्चे के अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं। तो प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रत्येक बच्चे के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके लेवल के बारे में भी नहीं जानेंगे कि उनको आखिर में शिक्षा देनी कैसे है। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन आठ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द इनमें से किसकी ओर संकेत करता है? मूल्यांकन प्रक्रिया, क्लास में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली सामग्री, या फिर विद्यालय का वह समग्र कार्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर सिलेबस जो पाठ्यक्रम शब्द है यह किस बात की ओर संकेत करता है? तो मनोवैज्ञानिक जॉनसन थे 1967 में, उन्होंने क्या बताया था कि पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों की एक संरचनात्मक श्रृंखला है। हम कोई सिलेबस बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम चीज़ों को कवर कर सकें। तो वही उन मनोवैज्ञानिक जॉनसन ने बताया था कि जो पाठ्यक्रम है वो सीखने के जो परिणाम है उनकी एक संरचनात्मक श्रृंखला है। पाठ्यक्रम शिक्षा का परिणाम निर्धारित करता है और यह परिणाम प्राप्त करने की विधि नहीं लिखता, अपितु यह विद्यालय के समग्र कार्यक्रम जिससे छात्र प्रतिदिन के अनुभवों को प्राप्त करते हैं उन्हें बताता है। तो ऑप्शन नंबर चार है कि विद्यालय का वह समग्र कार्यक्रम जिसे छात्र प्रतिदिन के अनुभवों को प्राप्त करते हैं वही होता है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अनुसार क्या है, आपको चीज़ें मालूम चल जाती हैं कि आपको परिणाम अगर प्राप्त करना है तो इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना होगा डे बाय डे या कैसे भी जैसे आप उसे मैनेज करते हैं। तो आठ का ऑप्शन नंबर चार सही होगा। क्वेश्चन नाइन, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इन चारों में से क्या हो सकता है? प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन को केंद्रित करना, देशभर में एक ही पाठ्यक्रम का अनुगमन करना, या फिर बाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए उसे साल में दो बार करना।
तो अगर शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें से क्या होगा जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और पर्यवेक्षण यानी कि अवलोकन। जो ऊपर से जो पर्यवेक्षण होता है ना, जिसमें देखा जाता है, उसके द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे शिक्षकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका प्रदान कराती हैं, बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान कराती हैं और समाधानों को पहचानने में मदद करती हैं, कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, या फिर छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो NCF 2005 के अनुसार जो गलतियां हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो NCF के अनुसार बच्चों को गलतियां करने, उन्हें सुधारने और रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से सही जवाब समझने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान कराती हैं गलतियां और समाधानों को पहचानने में मदद करती हैं। 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे NCF 2005 टॉपिक से। इस तरीके से साइकोलॉजी के मैंने टोटल टॉपिक हैं अलग अलग वीडियो में कवर किए, जिनके क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ मैंने आपको बताए। आप लोग इन वीडियोज को कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वीडियो में होता है, किसी भी टॉपिक पर होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास का आनंद ले सकें, इस क्लास का लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।